हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ नीम करोली बाबा के दर्शन कराने वाला हूँ, तो बने रहे मेरे साथ। और मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई होगी नीम करोली बाबा धाम की। तो बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम जैसे कि दोस्तों सस्ता से सस्ता ट्रिप बताने वाला हूँ। रानीखेत एक्सप्रेस पकड़ेंगे हम, 200 रुपये की टिकट कराएंगे 190 रुपीज़ की, और हम पहुँच जाएंगे काठगोदाम दिल्ली से। और उसके बाद ये रात को ट्रेन चलती है 10 बजे और हम पहुँचेंगे काठगोदाम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 4:30, 5 बजे हम पहुँच जाएंगे काठगोदाम। यहाँ उतरेंगे काठगोदाम स्टेशन और उसके बाद हम यहाँ से कर लेंगे बस अल्मोड़ा वाली। 50 से 60 रुपये वो लेगा आपसे और 50-60 रुपये में आपको पहुंचा देगा नीम करोली बाबा के दर्शन में के लिए। 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे काठगोदाम से नीम करोली बाबा के धाम में, और मुश्किल से आपको मतलब लगेगा आपका 50-60 रुपये। तो टोटल आपका खर्चा हुआ 250 रुपये, मतलब 210 रुपये, और 100-200 रुपये का आप नाश्ता कर लोगे, 100 रुपये का तो आपका होगा 350 रुपये का खर्चा। और ये देख सकते हैं सामने दर्शन मंदिर अभी से दिखाई दे रहे हैं। हम पहुंच गए हैं, बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट और लगेगा। तो बेसिकली ये सस्ते से सस्ता उपाय बता रहा हूं कि आप शाम को निकलो दिल्ली से और शाम को सुबह सुबह पहुंच जाओगे 5 बजे आप 6 बजे मतलब नीम करोली धाम, और उसके बाद पूरा दिन आराम से टाइम स्पेंड करो। और उसके बाद शाम को फिर आप यहाँ से पकड़ लो काठगोदाम वाली या कोई भी बस जा रही होगी, कोई भी बस पकड़ लोगे वो जाएगी काठगोदाम। तो काठगोदाम उतर जाओ आप, हल्द्वानी की पकड़ लो, दिल्ली वाली जाती है वो पकड़ लो, कोई भी बस पकड़ लो और अपना निकल जाओ। और ये सामने देख सकते हैं नीम करोली बाबा के दर्शन पूरा धाम मंदिर। तो बेसिकली भीड़ तो नज़र आ रही है और हम पहुँच ही जाएंगे, ट्रैफिक अभी से स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। तो बेसिकली दोस्तों मैंने बताया कि 250 रुपये, 300 रुपये आपका नाश्ते के साथ आपके खर्च होंगे। उसके बाद आप आश्रम में पहुँचे और आश्रम में दर्शन करने के बाद नीम करोली बाबा के आप पूरा दिन आपको मिल जाएगा आराम से, आप पूरा दिन स्पेंड करें। और उसके बाद ध्यान रहे कि यहाँ पर कुछ वैसे लॉन्च टाइप नहीं मिलते हैं, होटल्स नहीं होते हैं, आपको कुछ वैसे मतलब पहले से अगर आप इंतजाम करके रखेंगे तो रूम वगैरह मिल जाते हैं, बट आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होने लगा। आप देख सकते हैं अभी से इतनी भीड़ है कि अभी हम फंसे हुए हैं जाम में, तो मतलब अभी नीम करोली बाबा का इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप जो भी आएँ प्लान करके आएँ कि आप अपने सुबह आ रहे हैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि आप शाम को निकल रहे हैं और सुबह सुबह पहुँचेंगे, तो आपको आराम से 5 बजे निकलेंगे और आप यहाँ पहुँच जाएंगे 7 बजे तक, बहुत आराम से पहुँच जाएंगे नीम करोली बाबा के धाम में। और 7 बजे पहुँचने के बाद ये देख सकते हैं ये हम पहुँच गए हैं नीम करोली के बाबा के धाम के सिख टेम्पल के पास। हम यहाँ आगे स्टॉप पर रुकते हैं, सामने पार्किंग है वहाँ रुकेंगे और वहाँ से फिर हम वॉक करके वापस आएँगे। तो जैसे कि हम यहाँ आ गए हैं पार्किंग में, वहाँ उतर गए थे और उसके बाद से हम वॉक करके जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप आते हैं नीम करोली बाबा, तो ध्यान रहे कि कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है यार, अगर आप देखो सब ने मतलब फेमस हो गए नीम करोली बाबा, तो हर इंसान दूर दूर से आ रहा है, पता नहीं गुजरात से कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से दर्शन करने आते हैं। तो बेसिकली मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप दर्शन कर रहे हैं आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप नीम करोली बाबा के दर्शन करके आपको उसका फल मिले, मतलब फाइनली आपको कुछ बेनिफिट्स हो, तो इसका एक ही तरीका है कि आप नीम करोली बाबा आते हैं तो उनके आश्रम में रुकें। और आश्रम में रुकने का तरीका एक ही होता है कि अगर आपका कोई जानने वाला है जो वहाँ मतलब रेगुलर बेस पे जा रहा है, रुक रहा है, तो उसके थ्रू ही आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ नीम करोली आश्रम में रुक सकते हैं, और रुकने के बाद ही आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप बेसिकली ऐसे आए और दर्शन करके तो पूरी दुनिया जा रही है, तो अगर आपको एक्चुअल में बेनिफिट्स चाहिए नीम करोली बाबा धाम के, तो आपको ये कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ की ब्यूटी तो एक अलग ही लेवल है, मतलब ये वैसे अगर आप नैनीताल से आते हो तो अगर आप नैनीताल भी रुक सकते हो, नैनीताल रुक के नैनीताल से 13 किलोमीटर का है, तो आप वहाँ से स्कूटी ले लो, स्कूटी 300 में मिल जाती है रेंट पे, और आप 30 मिनट्स में आराम से नीम करोली बाबा पहुँच जाओगे अगर आपने होटल लिया हुआ है, कि पूरा दिन आप स्पेंड करो और उसके बाद वापस आराम से घूमते फिरते शाम को आरती अटेंड करनी है, सुबह आरती अटेंड करके अपना निकल जाओ। सुबह की आरती शाम की आरती बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली नीम करोली धाम में जैसे कि आपको पता है कि बहुत फेमस रहे नीम करोली बाबा की, उनकी अपनी श्रद्धा मतलब शक्तियाँ थी उनके अंदर, उनको हनुमान जी का रूप माना जाता था और वो एक टाइम पे एक साथ दो दो तीन तीन जगह दिखे हैं लोगों को। तो जैसे कि आपने उनका एक्सपीरियंस भी सुना होगा कि नीम करोली बाबा में इतनी शक्तियाँ थी कि वो एक बार यूपी से कहीं आ रहे थे और उनको ट्रेन में थे और उनके पास टिकट नहीं था, तो टीटी ने उनसे टिकट के लिए पूछा और उन्होंने बोला कि टिकट नहीं है, तो टीटी ने उनको ट्रेन से उतार दिया था। और उसके बाद ट्रेन से जब उतरे नीम करोली बाबा, तो उन्होंने उनकी ट्रेन ही स्टार्ट नहीं हुई थी, तो फिर उसके बाद बड़े मशक्कत हाथ पैर जोड़ने के बाद बाबा के तब जाके उनकी ट्रेन में बैठाया और उसके बाद फिर ट्रेन चली थी। तो बेसिकली हम यहाँ अभी अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में सामने ही है और यहाँ हमने लंच किया, उत्तराखंड की थाली खाई है और ये सामने नीम करोली बाबा है, तो हमने
काफ़ी अच्छा दिन स्पेंड किया यहाँ पर। तो अब हमें निकलना है यहाँ से, तो हम शाम को हमारी ट्रेन है तो हम वापस निकल जाएंगे। कुछ यहाँ पर जो फेमस है यहाँ के ये फ्रूट्स, आपको आड़ूज हैं और आड़ू से रिलेटेड ही यहाँ पर जूस वगैरह आपको काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये फ्रूट्स यहाँ के जो नेचुरल फ्रूट्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो मिलेंगे, और ऐसे कुछ फ्लेवर वाटर्स भी मिलेंगे तो आप ये भी यहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिकली नीम करोली बाबा आए हैं तो मतलब बेसिकली ये ध्यान रहे कि आपको महत्व उनका जो है वहाँ पर आश्रम में रुकने का महत्व होता है, वहाँ आश्रम में रुक के आरती अटेंड करके दर्शन करके नाम जप के फिर आप जाते हैं, तब आप चेंजेस पाते हैं अपने लाइफ में, अपने इटर्नल पीस पाते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में मतलब जाते हैं तो टाइम निकाल के जाएं, मैं कहूँगा किसी के लिंक के थ्रू जाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी तो खैर दर्शन तो करते ही रहें तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों बेसिकली कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मतलब इम्पॉर्टेंट थी, शायद आप लोगों को किसी ने नहीं बताई, आज तक किसी ने नहीं बताई है जो मैंने आपको बताई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस, एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, जैसे मैं लर्निंग मोड में हूँ। तो थैंक यू सो मच।